Good morning, students. Today we are starting our second lesson of English. The name of our lesson is How Many. How many means कितने. It means हमें इस lesson में चीजें गिननी होगी कि कहाँ पर कितनी चीजें हैं. Here are the word meanings of lesson 2. First is see, S-E-E-C. See means देखना. Clap, C-L-A-P, clap. Clap means ताली बजाना. Loud, L-O-U-D, loud. Loud means जोर. Teddy, T-E-D-D-Y, teddy. Teddy means खिलौना भालू. Look, L-O-O-K, look. Look means देखना. Bright, B-R-I-G-H-T, bright. Bright means चमकदार. Sweet, S-W-E-E-T, sweet. Sweet means मिठाई. Fly, F-L-Y, fly. Fly means उड़ना. Away, A-W-A-Y, away. Away means दूर. राजा एंड अनीता सी अ मंकी. थ्री बर्ड्स एंड थ्री एप्पल्स ऑन द ट्री. राजा और अनीता एक ट्री पर थ्री एप्पल्स, थ्री बर्ड्स एंड अ मंकी देखते हैं. अनीता क्लैप्स. क्लैप्स मीन्स ताली बजाना. तो अनीता ताली बजाती हैं लाउडली, जोर से ताली बजाती हैं. अब इससे आगे क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव अ लिटिल पोयम. सो फर्स्ट वी विल रीड दिस. हमारे पास एक छोटी सी पोयम है पहले, तो हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम बाकी की स्टोरी को देखेंगे. आई एम लिटिल टेडी, शॉर्ट एंड फैट. आई एम लिटिल मीन्स छोटा सा, टैडी मीन्स या टैडी भालू. आई एम अ लिटिल टैडी, मैं छोटा सा भालू. शॉर्ट एंड फैट, शॉर्ट मीन्स इसकी हाइट जो है वो कम है, शॉर्ट है. एंड फैट, फैट मीन्स मोटा, ये छोटा और मोटा भालू है. लुक एट माई फेस, लुक मीन्स देखो. माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ देखो. एंड माई टू ब्राइट हेड्स, ब्राइट मीन्स चमकदार, बिल्कुल चमकीली. हेड्स, हेड्स मीन्स टोपियाँ. इसके पास टू हेड्स हैं, तो यह कह रहा है कि लुक एट माई फेस, मेरे चेहरे को देखो. और माई टू ब्राइट हेड्स, और मेरी दो हेड्स को देखो. I have a nice big smile. Big smile means बहुत ही बड़ी smile, इसकी बहुत ही बड़ी smile है. And a big big nose, और एक बहुत ही बड़ी नाक है. And big brown shoes, और बहुत बड़े brown color के shoes हैं. Covering my toes, जिसने इसके पैरों की उंगलियां कवर कर रखी हैं. आई एम लिटिल टेडी, शॉर्ट एंड फैट. लुक एट माई फेस एंड माई टू ब्राइट हेड्स. आई हैव अ नाइस बिग स्माइल एंड अ बिग बिग नोज एंड बिग ब्राउन शूज कवरिंग माई टॉल्स. नाउ काउंट एंड टेल How many of the following teddy has? Now means up, count and tell. Count करना है, गिनना है and बताना है. How many of the following teddy has? यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं. आपको यहाँ पर count करना है और बताना है. You have to tell that इसके पास में कौन सी चीज़ कितनी है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेड्स, तो आपको गिनना है इसके पास में कितनी हेड्स हैं.
नोज, इसके पास कितनी नोज हैं, एंड शूज कितने हैं. इट विल बी योर होमवर्क. रीना, रीना कहती है व्हाट इज दिस. शी इज रीना एंड ही इज अमित. यह रीना है और यह है अमित. तो रीना कहती है व्हाट इज दिस, यह क्या है. व्हाट मीन्स क्या, दिस मीन्स यह. तो रीना इस बॉक्स के बारे में पूछती है कि यह क्या है. अमित, अमित कहता है इट इज अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है. रीना, तो फिर रीना कहती है देयर आर टू स्वीट्स इन द बॉक्स. टू स्वीट्स, दो मिठाई. स्वीट्स मीन्स मिठाई. तो रीना कहती है कि बॉक्स में दो मिठाई है. अमित ईटिंग वन स्वीट. अमित क्या करता है, एक मिठाई उठाकर खा लेता है. नाउ देयर इज वन स्वीट, और कहता है अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मिठाई है. राजा एंड अनीता. अब राजा, ही इज राजा एंड शी इज अनीता. राजा और अनीता आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो क्या बात कर रहे हैं अब हम देखते हैं. राजा कहता है व्हाट इज दिस, राजा कहता है व्हाट इज दिस, इस ट्री के बारे में बात करता है कि यह क्या है. अनीता कहती है इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, यह एक ट्री है. ट्री मीन्स पेड़, यह एक ट्री है. फिर राजा कहता है आई सी वन मंकी. राजा कहता है मुझे एक मंकी दिखाई दे रहा है. अनीता कहती है आई सी थ्री एप्पल्स. अनीता कहती है कि मुझे थ्री एप्पल्स दिख रहे हैं, वन टू एंड थ्री, उसे थ्री एप्पल्स दिख रहे हैं. फिर राजा कहता है देयर आर थ्री बर्ड्स ऑन द ट्री. राजा कहता है कि इस ट्री पर थ्री बर्ड्स हैं, थ्री पक्षी हैं, वन टू एंड थ्री. अनीता क्लैप्स लाउडली. क्लैप्स मीन्स ताली बजाना, लाउडली जोर से. तो अनीता क्या करती है, जोर से ताली बजाती है. टू बर्ड्स फ्लाई अवे, और दो बर्ड्स जो होते हैं वो दूर उड़ जाते हैं. नाउ देयर इज वन. जब इसने, अनीता ने ताली बजाई तो ये दो बर्ड्स जो हैं ये उड़ गए, दे फ्लाई अवे, एंड सिर्फ एक ही बर्ड यहाँ पर रह गया. तो वह कहती है नाउ देयर इज वन. वो, तो अनीता कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बर्ड रह गया. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर इन द बॉक्स. हाउ मैनी मीन्स कितने, स्वीट्स मिठाई, आर देयर इन द बॉक्स मीन्स उस बॉक्स में कितनी मिठाई है. आंसर इज, कितनी मिठाई थी बॉक्स में, टू. एंड आंसर इज देयर आर, हमने यहाँ से लिखा है देयर आर, सिर्फ जितनी स्वीट्स थी उतना नंबर लिखा है. हाउ मैनी की जगह हमने सिर्फ वो नंबर लिखा है. देयर आर टू स्वीट्स, फिर ऐसा ही इन द एंड बॉक्स. देयर आर टू स्वीट्स इन द बॉक्स, बॉक्स में दो मिठाई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री. ट्री पर, ऑन द ट्री मीन्स ट्री पर, ट्री पर कितने, हाउ मैनी मीन्स कितने बर्ड्स हैं. ट्री पर कितने बर्ड्स हैं, तो आंसर इज ट्री पर थ्री बर्ड्स हैं. तो आंसर ये क्या हो जाएगा, वापस से फिर देयर आर, वैसे हमने लिख दिया यहाँ पर देयर आर. हाउ मैनी की जगह हम लिखेंगे थ्री, वी विल राइट थ्री एट द प्लेस ऑफ हाउ मैनी. देयर आर थ्री
birds on the tree. फिर वैसा ही हमने on the tree लिख दिया. ट्री पर थ्री बर्ड्स हैं. थर्ड क्वेश्चन इज why do the birds fly away? Why means क्यों. Fly means उड़ना, away means दूर. तो birds जो थे वह दूर क्यों उड़कर चले गए. Answer is because Anita claps loudly. LOUDLY loudly. Because means क्योंकि. Anita claps means ताली बजाना. And loudly जोर से. क्योंकि Anita ने जोर से ताली बजाई थी इसलिए थ्री बर्ड्स में से टू बर्ड्स उड़कर चले गए और वहाँ पर सिर्फ केवल एक बर्ड ही रह गया था. रीड एंड आंसर. पढ़ना है और आंसर देना है. फर्स्ट इज राइट टी फॉर द सेंटेंस दैट इज ट्रू. आपको टी लिखना है. राइट मीन्स लिखना. तो आपको टी लिखना है किसके लिए. सेंटेंस दैट इज ट्रू. जो सेंटेंस सही है ट्रू है. ट्रू मीन्स सही होना. तो जो सेंटेंस यहाँ पर ट्रू रहेगा सही रहेगा उसके सामने आपको टी लिखना है और जो गलत रहेगा उसके सामने आपको एफ लिखना है. फर्स्ट इज देयर आर टू स्वीट्स इन द बॉक्स. इन द बॉक्स मीन्स बॉक्स में दो मिठाई हैं. बॉक्स में दो मिठाई थी. यस. तो हम यहाँ पर ये बात ये जो सेंटेंस है तो ट्रू है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर टी. सेकेंड इज देयर आर मैनी मंकीज ऑन द ट्री. ऑन द ट्री मीन्स ट्री पर या फिर ट्री के ऊपर. मैनी बहुत सारे मंकीज. ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकी हैं. तो ये बात सच है या गलत. ये फॉल्स हैं. फॉल्स है मतलब हम यहाँ पे टी नहीं लिख सकते तो हम फॉल्स का एफ लिखेंगे. देयर इज वन बर्ड लेफ्ट ऑन द ट्री. अनीता ने जब ताली बजाई थी तो वहाँ पर कितने बर्ड्स बाकी रह गए थे. यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बर्ड रह गया था. इज इट ट्रू. यस इज इट इज ट्रू. वहाँ पर सिर्फ एक ही बर्ड रह गया था तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टी. टी क्यों लिखा. ट्रू के लिए. टेक द थिंग्स दैट आर ऑन द ट्री इन द स्टोरी. अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उस स्टोरी में कुछ चीज़ें थी. तो आप लोगों को ये पिक्चर्स देखनी है और जो इन पिक्चर्स में से जो चीज़ें उस स्टोरी में थी उनके ऊपर आपको इस तरह से टिक लगाना है. फर्स्ट इज कैट. क्या उसमें कैट थी. अगर थी तो आपको इसके ऊपर टिक लगाना है. मंकी काइट एप्पल एंड बर्ड्स. वहाँ उस स्टोरी में क्या क्या था उनके ऊपर आपको टिक लगाना है. ये आपका होमवर्क है. थिंक एंड आंसर. सोचो और आंसर दो. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर क्या है. व्हाट मीन्स क्या. तो बॉक्स में क्या है. बॉक्स के अंदर क्या था. स्वीट्स. एस डब्ल्यू डबल ई टी एस स्वीट्स. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मंकीज डज राजा सी. राजा ने कितने मंकी देखे थे वहां पर. हाउ मेनी मीन्स कितने. आंसर इज वन मंकी. राजा ने सिर्फ एक ही मंकी देखा था. थर्ड क्वेश्चन इज हु क्लैप्स लाउडली. क्लैप्स मीन्स ताली बजाना. लाउडली मीन्स जोर से. हु मीन्स कौन. किसने जोर से ताली बजाई थी. ताली किसने बजाई थी. अनीता ने. एंड द आंसर इज अनीता. यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर फेयर कॉपी एंड ऑल्सो वर्ड मीनिंग्स इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.